मुरादाबाद शहर के हरपाल नगर स्थित जिज्ञासा मेडिकल नर्सिंग होम स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जहां मरीजों ने पहुंचकर इस पूरे कैंप का लाभ उठाया। डॉक्टर सीपी सिंह एमबीबीएस एमडी द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 मरीजों का फ्री इलाज व फ्री दवाइयों का वितरण किया गया। इसमें टीबी, दमा, वायरल फीवर, मेडिकल आदि बीमारियों का इलाज किया गया। कैंप को सफल बनाने में नर्सिंग स्टाफ फहीम अहमद, मुनेश कुमार, रविंद्र कुमार, जोगराज सिंह, प्रमोद कुमार, मुशाहिद अली, कविता कुमारी, आकांक्षा राणा आदि मौजूद रहे। अभी तक न्यूज़ से बात करते हुए डॉक्टर सीपी सिंह ने कहा कि समय समय पर ऐसे कैंप और भी आयोजित किए जाएंगे, जरूरतमंद व्यक्तियों को फायदा पहुंचाया जा सके। उद्देश्य यही है कि हम समाज और देश की सेवा कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर सीपी सिंह है। सर, आज ये कैंप लग रहा है, इस कैंप के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये कैंप हमारा पहली बार नहीं है, ये पिछले लगभग 19 साल से लगातार हमारे यहाँ कैंप लग रहा है। पहली तारीख को, जो हर महीने की पहली तारीख आती है, उसमें हम निःशुल्क कैंप लगाते हैं। इसमें मरीजों को हम निःशुल्क देखते हैं, उनको कुछ दवाइयाँ वितरित करते हैं, शुगर की जाँच कराते हैं और भी जो जरूरी जाँचें हैं वो कम रेट में हम करवाते हैं। सर, किन किन बातों को लेकर ये कैंप लगाया गया? ये मेनली जो आजकल सीजन की बीमारियां हैं, वही मरीज हैं ज़्यादा, जैसे जाड़ा बुखार है, मलेरिया है, टाइफॉइड है, जॉन्डिस है, सांस के मरीज हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन सबको लेकर ये कैंप आज चल रहा है। सर, लगभग आप कितने पेशेंट देखे गए इस मरीज कैंप में? औसतन हर महीने हमारे पास 300 के आसपास मरीज रहते हैं। सर, ज़्यादा किस पेशेंट, किस मरीज, कौन सी बीमारी का दिखता रहा? मेनली बीमारी, जैसे मैंने अभी बताया, सीजन वाली बीमारियाँ रहती हैं। अब जैसे आजकल इन्फेक्शन वाली बीमारी है, अगर सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में शुगर का या ब्लड प्रेशर का या हार्ट के मरीज ज़्यादा रहते हैं। सर, ये कैंप किस समय से किस समय तक चलेगा? कैंप हमारा ये सुबह 10 बजे शुरू हो जाता है और शाम को ये 8 बजे तक चलेगा, लेकिन नंबर हम कैंप के 11 बजे तक लगवाते हैं। सर, ये एक बीमारी चल रही है बर्ड फ्लू की, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बर्ड फ्लू की ये कोई नई बीमारी नहीं है, अभी बहुत पुरानी बीमारी है, जो मेनली जो चिड़ियों वाली फैमिली के जानवर हैं उनमें होती है, जैसे मुर्गा है या पक्षी हैं बहुत सारे, उनमें होती है। कई बार रॉ मीट खाने से या कच्चा मीट खाने से या उनके संपर्क में आने से, जैसे बहुत सारे मुर्गों में जो लोग काटते हैं, जो मीट तैयार करते हैं या जिनके जो लोग केयर करते हैं मुर्गा में, मुर्गा मुर्गी की, उनमें ये बीमारी फैल सकती है। नहीं सर, अब तो ये बीमारी आम फैल रही है। हाँ, जो मैंने तरीका बताया ना, वैसे ही फैलती है, इंसानों में वैसे नहीं होती है, पहले बर्ड्स में आती है, बर्ड से इंसानों में आती है। तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी ये बरतनी चाहिए कि जैसे मुर्गा मुर्गी अगर हम मीट खाते हैं तो होशियारी से पका के खाएं। जो कच्चा मीट अगर आप उसको हैंडल कर रहे हैं तो आप नाक कान पर हाथ नहीं लगाएं, अपने हाथ धो के ही आगे अपना काम करें। और अगर आप मुर्गी फार्म चलाते हैं तो बहुत एहतियात रखनी है, जो दवाइयों का छिड़काव होता है वो कराना है, ताकि बर्ड फ्लू ना हो, और बर्ड फ्लू हो गया है तो फिर मुर्गी फार्म को बंद करना पड़ता है। क्या अपील देना चाहेंगे सर? अपील यही है कि भाई स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जो भी मौसम की बीमारियां हैं उनके अनुसार खान पान रखें, बाहर का खाना खाने से बचें, अपने घर का पका हुआ खाना खाएं, कटे हुए फल ना खाएं आजकल, पानी उबाल के पिए या फिर तड़का पिए। मान लो किसी को खांसी जुकाम है तो उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखें, बर्ड फ्लू भी हो सकता है, वो कोरोना भी हो सकता है या इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, आजकल आई फ्लू चल रहा है, तो आई फ्लू के मरीजों में कॉन्टैक्ट में आने से बचें, वो भी पर्सन टू पर्सन फैलता है। यही मेरी सबसे अपील है।